सचिन पायलट जी, हमारे मुख्य सचेतक महेश जोशी, महेंद्र चौधरी जी मुख्य सचेतक, प्रताप सिंह खचरवाल जी जिला अध्यक्ष, राजेंद्र यादव जी ग्रामीण डीसीसी के अध्यक्ष, गणेश गोगरा जी यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, अभिषेक चौधरी जी एनएसयू अध्यक्ष, रैना रियाज जी महिला कांग्रेस अध्यक्ष, मुनीष गुजर जी श्रीमती महापौर शिवाडल के अध्यक्ष पारी जी और मेरे तमाम मंत्रिमंडल के साथीगण विधायकगण शान चंद्र धागे जी यहाँ पर तमाम नेतागण पार्षदगण किसान भाइयों और बहनों और नौजवान साथी, मुझे खुशी है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज ये धरना आयोजित किया गया। धरने का उद्देश्य क्या है आप सबके जेहन में है। इस प्रकार 39 दिन हो गए, 39 दिन ठंड के अंदर जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, 39 दिन में 40 मौतें हो चुकी हैं। आप सोच सकते हैं क्या बीत रही होगी उनके ऊपर, उनके परिवार पर, उनके बेटे पोते कहीं तो सेना में होंगे जो बॉर्डर पे होंगे, और ये संवेदनहीनता का और ये पराकाष्ठा है। सरकार को बार बार बुलाती है, बात करती है, टाइम पास करती है, इनको लगता है किसान थक जाएंगे और ये इश्यू खत्म हो जाएगा। सवाल है पूरे देश के किसानों की तकदीर के फैसले करने का। उनको गलत फहमी है खाली पंजाब और हरियाणा के किसान है, वो उनके साथ में एकजुटता प्रकट करने के लिए देश के 6.5 लाख गांव में लोग बैठे हुए हैं, राजस्थान के 42,000 गांव में लोग बैठे हुए हैं, जो जिनकी भावनाओं के साथ में, और वक्त आएगा तो मैं समझता हूं कि मोदी जी की और अमित शाह जी की गलत फहमी निकल जाएगी। अगर किसान चल पड़ा तमिलनाडु से भी और आंध्र से भी, महाराष्ट्र से भी, राजस्थान से भी लेने के देने पड़ जाए। किसान बहुत समझदार है, 39 दिन के बावजूद भी शांति सद्भाव भाईचारे के साथ में आंदोलन कर रहा है, लंगर लग रहे हैं वहीं पर, सब व्यवस्था वहीं हो रही है, गांव बच गए हैं, पर कोई तरह का आक्रोश नहीं, तनाव नहीं। इससे बड़ा संदेश किसान क्या दे सकता है सरकार को, जो नाकारा है, निकम्मी है, संवेदनहीन है, ये फासिस्ट लोग हैं। हम जो बार बार कहते हैं कि इनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, और इसीलिए एक झटके में नोटबंदी कर दी रात को 8 बजे। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि भाई और बहनों 4 घंटे के बाद में आपके 500,000 नोट के रद्द हो जाएंगे। ऐसे फैसले होते हैं, कितनी लाइनें लगे बैंकों के सामने, 135 लोग मारे गए, कोई पूछने वाला नहीं होता। जीएसटी लाए रात को 12 बजे पार्लियामेंट के अंदर तमाशा किया गया, जैसे नई आजादी मिल रही हो, और जीएसटी में आते को राज्यों को पैसा नहीं दे पा रहे, कोरोना आ गया। इनके हर फैसले बिना कोई सोच समझ के, बिना विपक्ष से बात किए। अब ये मुद्दा भी मेरे सपोर्टकर्ता कह रहे थे, अगर मोदी गवर्नमेंट बात कर ली थी किसान नेताओं से, संसद में ढंग से बहस हो जाती, संसद में मांग थी विपक्ष की इसको सेलेक्ट कमेटी भेज दो, उसमें तमाम पड़े हुए लोग होते हैं, वो बैठ के बात कर लेंगे,
देश का जो है राय ले लेंगे, बाद में हम लोग इसको पास कर देंगे, तो क्या हो जाता होगा? तो जो अहम गमन जो है वो इस कदर है इन लोगों के अंदर, जो काम करते हैं 370 हिंदू खुश हो जाएंगे, जिसमें तलाक लेके आ गए हिंदू खुश हो जाएंगे। इस देश को 70 आजादी के पहले भी बाद में भी महात्मा गांधी के रहनुमाई में इस प्रकार पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, अम्बेडकर के वक्त में जो सिद्धांत, नीतियां, कार्यक्रम, कोई वोटों का राज, लोकतंत्र, ये कोई मामूली बात नहीं थी। आज 70 के बाद में भी इंदिरा गांधी की जान चली गई, इसे बांग्लादेश आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 कर दिए, तो वो खालिस्तान नहीं बनने थे, अपनी जान कमाना कबूल कर लिया। जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले थे, जान चली गई, बम्बई बम छुड़ा दिया गया। सरदार बैंक ही नहीं थे वहां पंजाब के मुख्यमंत्री, देश नबूद कर दिया वहां पर आतंकवाद को, आतंकवादियों ने मुख्यमंत्री रहते हुए उनको उड़ा दिया कांग्रेस, पर देश एक राह अखंड रहा। और ये लोग सत्ता में आते कहते हैं कि 70 में कांग्रेस ने क्या किया, जिन लोगों को विरोध नहीं, जो लोग आजादी की जंग में कहीं नजर नहीं आते थे, कई लोग तो अंग्रेजों के ये मुखबरी करते थे, लोग मुखबरी करते थे, वो अपने पास सीखा तो 70 में क्या किया? 70 में बिजली थी आजादी के वक्त में, पानी की योजनाएं थी, सड़कें थी देश के अंदर, शिक्षाएं थी, स्वास्थ्य सेवाएं थी, बड़े बड़े बांध थे, कल कारखाने थे, क्या नहीं किया कांग्रेस? पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी, सब कुछ हुआ। पर क्योंकि जब आप तो तानाशाह प्रवृत्ति की भावना रखते हो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, फिर वही बात आती है कि जनता को जो हम कहेंगे ताली बजाओ थाली बजाए, दिया जलाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात है, ये देश को हिंदू राष्ट्र की तरफ लेना चाहते हैं, जो कि असंभव है। ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, उसकी बात करते, जबकि हमारा मानना है कि जो गुलदस्ता होता है बगीचे के अंदर, वो तभी सुंदर होता है तब अलग अलग कलर के रंग होते हैं। दिल की ताकत यही हमारी दुनिया लोहा मानती है। आज जो मोदी जी का सम्मान इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, जापान में हुआ, इसलिए हुआ ये प्रधानमंत्री उस हिंदुस्तान गुलदस्ते का प्रधानमंत्री है। इसलिए नहीं हुआ कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना करो और उसके लिए लोग सवार जाएंगे, दुनिया के मुल्क तारीफ करेंगे। पर ये लोग बहुत फासिस्ट थे, मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि देश को बर्बाद कर रहे हैं। मैं कुछ राजनीतिक बात नहीं कर रहा, देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बांटते हिंदू मुसलमानों के अंदर। आने वाले वक्त में पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। पूछो कश्मीर के अंदर आतंकवाद 40 चल रहा है, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान हिंदुस्तान का कश्मीर को छोड़कर, क्या 40 में एक भी हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर में पकड़ा गया क्या आतंकवादी के रूप में? पाकिस्तान के आगे होंगे आतंकवादी, कश्मीर के खुद के हो गए होंगे, अफगानिस्तान के हो गए होंगे, ईरान इराक के हो गए होंगे, हिंदुस्तान में कौन सा मुसलमान पकड़ा गया? फिर भी आप उनकी अग्नि परीक्षा ले रहे हो, उनको पराया बना रहे हो। अभी तो हिंदू और मुस्लिम में राष्ट्र बटा हुआ है, देश और समाज, ये तो मेरी बातें लोग अच्छी भी नहीं लगेगी। और आने वाली पीढ़ियों में इतना ये है कि गुलदस्ते को मना के चले, आगे बढ़ाए, और इनकी नीयत ठीक नहीं। आप बताइए बम्बई के अंदर महाराष्ट्र में चुनाव हुए, इनकी मेजोरिटी नहीं आई, शिवसेना अलग हो गई,
तोड़फोड़ करके रात को कैबिनेट में बुला ली, राष्ट्रपति शासन समाप्त। सुबह 5 बजे बुलाया गया राष्ट्रपति को, उठाए गए नींद से, दस्तखत करवाए गए और 7 बजे संपन्न हो गए मुख्यमंत्री सुबह 7 बजे गुपचुप। और प्रधानमंत्री जी ने 7:30 बजे ट्वीट कर दिया, बधाई हो महाराज सरकार बन गई कांग्रेस, वो हमारे साथ ही कहना उनका महाराज। फर्नांडिस साहब बधाई हो, फर्नांडिस साहब सरकार बनाई, शपथ ले लिया आपने। और फर्नांडिस साहब आप जवाब दे रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आप सोच लीजिए, मोदी है तो मुमकिन है, सुबह 6:30 बजे शपथ हो रही है, आप बताइए कमाल हो गया। दुनिया में क्या सोचते हो लोग, इस देश में सब कुछ संभव है। अमेरिका के ओनली मोदी ट्रंप का हाथ पकड़ के बेचारे घुमा दे चारों ओर को, ट्रंप हाथ वो मेरे ख्याल ज्यादा बुजुर्ग है, इनसे भी घुमा दिया पूरा। अगली 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 सरकार ट्रंप सरकार, हमारी जनता ने धज्जियां उड़ा दी वहां पर ट्रंप कर भी। और ऐसी धज्जियां अगर कभी हिंदुस्तान में उड़ जाए मोदी जी की, आश्चर्य मत कर। पंगा लिया है इस बार किसानों से लिया, किसानों से, इसमें राजनीति नहीं है, ये खालिस्तानी नहीं है, ये सांप्रदायिक नहीं है, इनको कोई भड़का नहीं रहा है, ये समझदार लोग हैं, उनको आप क्या क्या कह रहे हो, ऐसी भाषा बोल के दंगे भड़का दिया हम दिल्ली के अंदर के लोग मध्य में चले। तो मैं कहना चाहूंगा हालात बड़े गंभीर हैं, आपको हमको सोचना पड़ेगा। ऐसे लोग आगे हैं जो जिनका कब्जा जुडिशरी पे है, जुडिशरी में प्रभाव डालते हैं लोग, कई कई बार सक्सेस हो जाते हैं, इनका इलेक्शन कमीशन में प्रभाव डालते हैं लोग, सीबीआई इनकम टैक्स ईडी तो इनके जेब के अंदर है, इशारा करते हैं जाइए और छापे डालिए, सीधा फोन आता है गृह मंत्री और पीएमओ से। आप बताइए ये लोकतंत्र है, हर व्यक्ति आज बात करते चमकता है भाई, फेस टाइम पे बात करो, व्हाट्सएप पे बात करो, ये स्थिति क्यों बनी देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये आज जो आप बैठे हो धरने पर, ये धरना जो है कि किसानों को एक संदेश देने का है कि पूरा देश, पूरा प्रदेश, प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता आपके साथ एक जुट है, आपके संघर्ष हम साथ थे, और जब आप अपमान करोगे तो हम बॉर्डर पे भी आ जाएंगे, गलत समय नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं जाएगा, अभी हमने रोक रखा है, हमारी पार्टी की नीति है, पहले ही उन पर आरोप लगा दिया, राजनीति पड़े भड़का रही है, लेकिन पूरी तरह वो किसानों के आंदोलन है, वो हम एकजुटता दिखाने के लिए अभी दत्ता सह जी का आपको 7 दिन तक हमारे विधायक लोग अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, लगातार किसानों से वार्तालाप करेंगे, बताएंगे, उनको समझाएंगे, सरकार ने जो काम किया वो भी बताएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि हालात बड़े गंभीर हैं, आज 86% किसान जो है देश के अंदर उसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, आप सोच सकते हो, और एवरेज 2 एकड़ ही है। हमने कहा कि उनकी 5 एकड़ तक ही होगी जमीन, उड़क नहीं करेंगी, हमने बिल पास किया राजस्थान सरकार ने, 3 बिल संशोधन किए हमें केंद्र वाले बिलों को, पता नहीं राज्यपाल महोदय पर क्या दबाव है, वो बेच नहीं रहे हैं केंद्र को, और यही कारण था कि आंदोलन शुरू हुए। मोदी जी अगर बात सुन लेते सबकी बिल पास करने के पहले, सहयोग रखते विपक्ष से भी,
ये नौबत नहीं आती अभी भी हो रहा है। मैंने फोन किया राष्ट्रपति भवन में चार मुख्यमंत्री पंजाब राजस्थान छत्तीसगढ़ पांडिचेरी कांग्रेस के मुख्यमंत्री मिलना चाहते क्या दबाव है राष्ट्रपति जी पर इत्यादि पहली बार हुआ होगा राष्ट्रपति जी तो कोई एक मुख्यमंत्री मिलना चाहे तो उसी वक्त टाइम मिलता उसको। आप गए राष्ट्रपति भवन एक कप चाय पिलाएंगे आपको बात करेंगे ज्ञापन नहीं और करना ज्ञापन आज तक नहीं बुलाया गया। ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो पैदा करवाया जा रहा है इस एनडीए सरकार का इसलिए स्थिति बनी है। मैं कहना चाहूंगा कि आज कम समय के नोटिस में इतनी बड़ी संख्या में आना इस रूप में बैठना ये संदेश है उनके लिए भी जो कहते कांग्रेस है कहां कांग्रेस है यहां कांग्रेस दिख रही है कांग्रेस दिल्ली के मीडिया के चक्कर में नहीं आना अपने को। ये जो मेरे सामने मीडिया वाले ले रहे हैं हमारे शॉट दे रहे हैं इनके चक्कर में नहीं आना है। ये तो दबा में मोदी जी के इनका नाम पड़ गया है मोदी मीडिया मोदी मीडिया मोदी मीडिया की तरह ये एक्ट करते हैं खबरें देते हैं क्योंकि मोदी जी के और सरकार में पूरी मॉनिटरिंग होती है कौन सा मीडिया क्या बता रहा है। इतने घबराए हुए हैं हमारे छापा नहीं बन रहा है इनका कसूर नहीं है ये बेकसूर लोग ही बेचारे बहुत बड़ी दबाव में है क्या कर सकते हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा इसके चक्कर में नहीं आना पड़े न्यूज सुनो न्यूज सुनो और विश्लेषण करो वास्तव में सच्चाई क्या है। और हिंदुस्तान के लोग चाहे अनपढ़ हो चाहे कम पढ़े लिखे हो अक्ल होशियारी में उनका कोई मुकाबला दुनिया के कोई मुल्क कर ही नहीं सकता। ऐसा पासा पढ़ते हैं पता ही नहीं लगता। इंदिरा जी जैसी मान्यता हार गई जैसे बांग्लादेश हल कर रहे हैं और ढाई साल में आप ऐसी आंधी चली वापस कि पूरे हिंदुस्तान में भारी बहुमत जब वापस प्रधानमंत्री बनी उस वक्त मैं भी एमपी बना 40 सालों 42 सालों। अच्छे अच्छे लोगों को इसने इस जमहूरियत के